हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल टेकअप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से वीआर बॉक्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीआर बॉक्स के बारे में हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, आप सभी लोगों ने उस पर काफ़ी सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको दिल से थैंक्स। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीआर बॉक्स रिलेटेड हमने जितने भी वीडियो बनाई है उन सब पर आपने बहुत सारा प्यार दिखाया है, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो पर भी आप बहुत सारा प्यार दिखाएंगे। इन्होंने मेरे पास कमेंट्स करा कि वीआर बॉक्स के अंदर जो लेंस होते हैं वो 3D होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर रेड और ब्लूइश कलर के होते हैं या नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा, साथ में ही वीआर बॉक्स रिलेटेड कुछ और भी बातें बताऊंगा, जिससे कि मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट्स आती रहती है। तो मैं वैसे तो सब पे वीडियो नहीं बना पाता, बट मैं कोशिश करता हूं आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं तो उन पे वीडियो बनाने की मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं। लगभग मैं वीडियो सब पे बनाता ही हूं। आप जो भी कमेंट्स करते हैं मैं उस पे वीडियो बनाता हूं। अगर आपको किसी पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, साथ में ही हम बढ़िया बढ़िया कमेंट्स को हाईलाइट भी करते हैं लास्ट में, तो आप बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। चलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वीआर बॉक्स के अंदर क्या 3D लेंस होते हैं या नहीं होते, या फिर लेंस किस क्वालिटी के होते हैं। तो वैसे तो मैंने लेंस के ऊपर पहले भी वीडियो बना रखी है कि वीआर बॉक्स के अंदर प्लास्टिक लेंस होते हैं या फिर ग्लास लेंस होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो एक एवरेज वीआर बॉक्स है, इससे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो मैंने 2-3 साल पहले 299 का लिया था, बट ये अभी आपको 299 में नहीं मिलेगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए अगर मैं इसकी लेंस की बात करूं तो इसके अंदर प्लास्टिक लेंस होते हैं, ग्लास नहीं होते। अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो ही देखनी है प्लास्टिक होते हैं ग्लास होते हैं किस मटेरियल के होते हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वीडियो का आई बटन पर ही मिल रहा होगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए इसमें प्लास्टिक लेंस होते हैं, दूसरी बात इसमें कोई कलर नहीं होता है। बाकी ये 3D लेंस भी नहीं होते हैं, ये 2D लेंस होते हैं, जैसे नॉर्मली आप वीडियो देखते हैं इस तरीके के। बाकी अगर मैं इसमें एक्सपीरियंस की बात करूं तो जैसे आप सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखते हैं इस तरीके से आपको बड़े पर्दे पर इसके अंदर मूवी देखने को मिल जाएगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो आपको इसको लिमिट में ही यूज़ करना है। आपको मैंने पहले भी वीडियो बना के दे रखी है कि वीआर बॉक्स से क्या सच में आंखें खराब होती हैं या नहीं होती है। आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, इस पर भी आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिखाया, इसके लिए दोबारा से दिल से थैंक्स। साथ में ही इसके अंदर कोई 3D लेंस नहीं होते हैं, 2D लेंस होते हैं, कोई ग्लास लेंस नहीं होते। बाकी अगर आप ग्लास लेंस लेना चाहते हैं तो आपको प्राइस थोड़े ज़्यादा करके इसको परचेज करना पड़ेगा, 4-5 हज़ार या 6-7 हज़ार में आपको ग्लास लेंस मिल जाते हैं। ग्लास लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है प्लास्टिक लेंस के मुकाबले, साथ में इसको आप परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।